रिपोर्ट दी कि हमारी कंपनी में ऑफ रोल कर्मचारी श्री हसन अब्बास द्वारा हम कस्टमर को आईडी वगैरह लेकर और उनको प्रोडक्ट नहीं दिलाकर हमारी कंपनी में लगभग 4,76,000 का नुकसान किया है। सदर कोतवाली थाने में 4,76,000 रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। बजाज फाइनेंस में कार्यरत ऑफ रोल कर्मचारी द्वारा प्रोडक्ट के नाम पर की गई धोखाधड़ी। सदर कोतवाली थाने में परिवादी राकेश कुमार सैनी, जो कि बजाज फाइनेंस में लोकेशन मैनेजर है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी में कार्यरत ऑफ रोल कर्मचारी खानपुरा निवासी हसन अब्बास ने उपभोक्ता से आईडी लेकर प्रोडक्ट अपलोड कराने के नाम पर 4,76,000 रुपये की धोखाधड़ी की है। कंपनी के कस्टमर ने बताया कि उन्हें कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, जबकि उनसे पैसे ले लिए गए। सदर कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल हबीब खान ने बताया कि बजाज फाइनेंस के लोकेशन मैनेजर राकेश कुमार सैनी की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 420 406 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक 14/6/2022 को पुलिस थाना कोतवाली पर परिवादी श्री राकेश कुमार सैनी सनोब रामकरण सैनी जाति माड़ी उम्र 28 साल निवासी श्रीरामपुर कोकाली पुलिस थाना भाकरोटा जिला जयपुर। अब ये हाल बजाज फाइनेंस लिमिटेड कचहरी रोड पर लोकेशन मैनेजर हैं, जिन्होंने एक रिपोर्ट दी कि हमारी कंपनी में ऑफ रोल कर्मचारी श्री हसन अब्बास द्वारा हमारे जो कंपनी के जो लोन दिलाने के नाम पर जो प्रोडक्ट दिलाने के नाम पर कस्टमर को आईडी वगैरह लेकर और उनको प्रोडक्ट नहीं दिलाकर हमारी कंपनी में लगभग कुल 4,76,000 का नुकसान किया है, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। सर, ये क्या कस्टमरों से पैसे लेता था? सर, ये कस्टमरों को प्रोडक्ट दिलाते थे जो कंपनी में अपलोड कर देते थे, लेकिन जब जांच की कंपनी की तरफ से तो कंपनी की तरफ से परिवादी बता रहे हैं कि उनको ये प्रोडक्ट नहीं मिले और इस तरह से कंपनी के साथ में उन्होंने धोखाधड़ी करी। सर, ये ऑफ रोल कर्मचारी है हसन अब्बास जो खानपुरा के रहने वाले हैं, जिसके द्वारा फाइनेंस के नाम पर धोखाधड़ी। सर, ये प्रोडक्ट दिलाते हैं कंपनी के नाम से, जिसे कस्टमर को आईडी वगैरह लेकर और उसको अपलोड कर देते हैं, लेकिन जब कंपनी ने जांच की तो बता रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिला है। इस प्रकार 420-404 आईपीसी पुलिस। हाँ, राशि सम्मिलित है, कुल अभी तक जो बता रहे हैं 4,76,000 की धोखाधड़ी बता रहे हैं। इसी तरह परिवादी खानपुरा दोराई निवासी हसन अब्बास ने बजाज फाइनेंस कचहरी रोड में देर रात बुलाकर मारपीट करने और मारपीट का वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए सदर कोतवाली थाने में कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हेड कांस्टेबल हबीब खान ने बताया कि परिवादी हसन अब्बास ने बताया कि 5 जून को कंपनी में इंटरव्यू दिया था, इसके बाद उसे कचहरी रोड बजाज फाइनेंस जो कि ICICI बैंक के ऊपर है में रात 9:30 बजे बुलाया गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई और उसका वीडियो बनाया गया। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। सर, यह दिनांक 14/6/2022 को पुलिस थाना कोतवाली में परिवादी श्री हसन अब्बास पुत्र श्री रुस्तम अब्बास जाति मुसलमान उम्र 27 साल निवासी गांव दोराई पुलिस थाना रामगंज अजमेर ने एक रिपोर्ट दी कि मैं किसी दूसरी कंपनी में दिनांक 5/6/2022 को कोई इंटरव्यू दिया था, उस बात को लेकर दिनांक 10/6/2022 को मेरी बजाज फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने मेरे को रात को 9 बजे ऑफिस में बुलाया, जो ICICI बैंक कचहरी रोड ICICI बैंक के ऊपर है, वहाँ पे मेरे साथ गाली गलौज व अपशब्द बोले, जिस पर रिपोर्ट दी है उस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, कुछ वीडियो भी बनाया, मोबाइल भी छीन लिया। मोबाइल किस तरह का वीडियो कुछ बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो बना लिया तथा डाटा डिलीट करने की बात बता रहे हैं, जिसके ऊपर पुलिस थाना कोतवाली मुकदमा दर्ज कर जांच की।